हेलो फ्रेंड, ये हेलो फ्रेंड, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए जो व्यापम क्वेश्चन पेपर छल देता है, वह क्वेश्चन पेपर जो 19 अगस्त 2017 सितनशिपता पेपर है जिसे मैं छल करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे इस पेपर तो पेन और कॉपी लेता जरूर देते ये। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देते तोशा क्वेश्चन दिया, आज वर्षा की प्रायिकता 0.55 है, तो इस तो क्या प्रायिकता हो दी वर्षा न हो। तो दे तो दो चीजें दी हुई है, तो होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, तो तीता 100% तो हो नहीं सकती, तो नहीं तिथि हो दी 45, राइट। 45 नहीं होने, ताई में से 100 में से इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो 9/20 आ जाएगा, तो आपका आंसर कैसा आ जाएगा। प्रायिकता नहीं होने थी, प्रायिकता 9/20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह दिया हुआ है, 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर धारे एक घन नाप दे, तो 25 रुपये प्रति मीटर की दर से खोदने के लिए श्रमिक तोता कितना श्रमिक शुल्क लगेगा। तो दे तो दे तो खोदना 1 रुपये प्रति मीटर, तो क्या करना आप, तो 8 × 6 × 7, तो यह तो ट्यूब निकल रहा है, ट्यूब में 25 × 3 उतार दूंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 3600। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3600, राइट। अब देखो, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफली नहीं है, देखिए आप तो ला देता, यह ट्यूब दे दिया है, और ट्यूब के अंदर क्या दिया है, दो ला दे दिया, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा ये इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो दे तो डायमीटर कैसे निकालें, इसका स्क्वायर दे दिया, तो ए का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 250। अब जो वर्ग है उतना अपन क्या बोले, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 दिए इसके, तो ए जो है ए दी है, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, पाई बाय 4 280 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से स्क्वायर, तो स्क्वायर तय से यहाँ तक का बहुत तरबा, तब आंसर क्या आ जाए, बहुत तर पाई आ जाएगा, दिया यहाँ दिया है तो यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित, लिवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से ती एक सुनामी होने की संभावना होती है, बिजली, वायु, अध्यन्ति भूकंप या बाढ़, पर कौन सी होती, भूकंप आना या सुनामी होने का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया तो कहा जाता है, अपशिष्ट जल उपचार के विलयन, जल प्रदूषण, क्लोराइड, मल मल जल शोधन, तो क्या होता है, मल जल शोधन होता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका थाली तक वर्षा में भर जाता है, वर्षीय पेट त्वचा एवं मांसपेशिया, तो क्या आएगा इसका आंसर, वर्षीय वर्षीय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो उष्मा के रूप में मुक्त होते, क्या मुक्त होते, उष्मा प्रकाश, केवल उष्मा, केवल प्रकाश या प्रकाशो ध्वनि, तो क्या होता है, उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। रेतीस्थान में पौधों में जल हानि की दर
इति उपस्थिति तारण सुबेरिन क्लोटेटलन या लिड्रिन या रत्ता है क्या त्योती तल का उदाहरण होता है। नाभिति ऊष्मा शल्यान के रिएक्टर में ऊष्मा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। नाभिति अवशोषण, नाभिति विखंडन, नाभिति उरोष उत्सर्जन, नाभिति शल्य होता से होती है। नाभिति विखंडन की प्रक्रिया से उत्सर्जित होती है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी क्लिक करना, जिससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हो। आप एमपी पुलिस का पेपर पास कर सकते हो। इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।